गुलबर्गा शहर के यतीमखाना अंजुमन अंसारुस्सफा की निगरानी में चल रहे अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल का 6th एनुअल डे सेलिब्रेट कर एनुअल रिपोर्ट पेश की गई है। इस एनुअल डे प्रोग्राम में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और साउथ एमएलए आलम प्रभू पाटिल के अलावा फराजुल इस्लाम, अजमल गोला और दीगर कई लोग यहाँ मौजूद थे। अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाती है और यहाँ कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस के जरिए मॉडर्न एजुकेशन दिया जा रहा है। गुलबर्गा शहर में मौजूद यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी वाहिद एक ऐसी कमेटी है जो वेबसाइट के जरिए हर एक एक्टिविटीज और एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश कर आवाम के सामने पेश करती है। यतीमखाने के जरिए तालीम हासिल कर आज कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मेट्रो सिटीज और बाहरी मुल्क में जॉब कर कामयाबी का मुकाम हासिल किए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने इस कमेटी के अंडर हुए अनगिनत डेवलपमेंट्स को देख के ख्वाहिश जाहिर किया कि अगली बार भी यही यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी अपने टर्म्स को कंटिन्यू करे और इस एनुअल डे प्रोग्राम के जरिए यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी के सदर मजहर हुसैन एडवोकेट के अलावा जब्बार गोला एडवोकेट, डॉक्टर खमरुज्जमा इनामदार और दीगर कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा फिलहाल यतीमखाने से स्टूडेंट्स प्रोफेसर, लेक्चरर और इंजीनियर बनके निकले हैं, पर आगे आने वाले दिनों में यतीमखाने के स्टूडेंट्स को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए मेहनत की जा रही है जिससे यतीमखाने का नाम रोशन किया जा सके। इस एनुअल डे प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने बोलना सिखाया या खुदा गुरु रख मेरी तू तेरी हमदा सना कर रही हूँ। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा दूसरी मियाद मुकम्मल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली मियाद में यानी कि 2015 में नई बॉडी तश्कील दी गई, 2016 में हमको स्कूल का परमिशन मिला, आज ये हमारा 8वां साल है। अल्लाह के फजल करम से आपके आप तमाम पेरेंट्स के ताउन की वजह से आज हम लोग ये स्कूल को चलाने में कामयाब हो रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी हमारे स्कूल की तादाद और बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल का जो मियार है उसको हमने हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि मियार को बरकरार रखा जाए और उस पर सुधार लाई जाए। इसी गर्ज़ से हमने मुख्तलिफ हर साल मुख्तलिफ असातिज़ा का तकरूर कर रहे हैं, नए नए टीचर्स को ले रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनकी काबिलियत देखकर उनका सिलेक्शन किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके नौनिहाल यतीमखाना अंजुमन अंसारुस्सफा को कायम करता है स्कूल पब्लिक अलहुदा में जब बच्चा पढ़ के निकलेगा या बच्ची पढ़ के निकलेगी तो लोग बोलवाएं ये स्टूडेंट्स कहाँ का प्रोडक्ट है, ये बच्चा या बच्ची कहाँ की तालीम याफ्ता है। बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए तरकारी ले आओ। अरे बिटुआ बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए खांसी की दवा ले आओ। बापू बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए जलेबी ले आओ। चुप रहो टप्पू खाए खाए के मुटे आ रहे हो, कुछ पढ़ लिया करो। ये खातून की तालीम है, खानदान की तालीम है। थैंक यू। चुकी हूँ यतीमखाने की इस बिल्डिंग में और मैंने जब भी देखा है यहाँ पर हर तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर जो कमेटी हमारी है वो कमेटी काफ़ी मेहनत करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लेके आप लोग काम करते हैं यहाँ पर, अपना बिजनेस रहने के बावजूद भी यहाँ पर टाइम देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग जो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस स्कूल में तकरीबन 200 बच्चे हैं जिसमें से 67 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल भी अच्छा मेंटेन किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है तो उसको क्लीन करे हैं। मैं तो कई वक्त वैसे भी आ चुकी हूँ तो देखा है मैंने कि यहाँ पर काफ़ी मेंटेनेंस है यहाँ पे यतीमखाने के इस हॉस्टल में। और मेरी ख्वाहिश है आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में ही यही मैनेजिंग कमेटी सेलेक्ट हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ के इलेक्शंस भी होंगे। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। Once a border student of Yatim Khana Hostel for 7 long formative years. Yatim Khana was more than just a hostel to me. It was my heaven of dreams. Today, as I stand here, having completed my 12th grade and pursuing my graduation in engineering, in the field of computer science and engineering. My journey from Yatim Khana to the corridors of education in Mysore stands as a proof to the consistent dedication from the Yatim Khana hostel management. Heartfelt thank you to the President Syed Mazhar Hussain Advocate Sir, Secretary Dr. Kamruzzaman Inamdar Sir, Joint Secretary Mozdawali Sir and all the other dedicated members of Yatim Khana for being the support system for me. अब मगर आप आके देखता हूं तो मैं इधर भी रूमा बने आओ, उधर साइड देखा तो फर्स्ट क्लास सभी रूम बने आओ, छोटा स्कूल भी बने। ये है ना ये कमिटी के एक मेहनत कह दो, इस मेहनत का एक जागता सबूत बोलकर मैं छू, क्योंकि एक छोटे से खेड़े गांव से आके आज इतना बड़ा गुलमर्ग में केपीएससी ग्रेड बी एग्जाम पास करना हो तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इस कमिटी के जाने से मेरे को बहुत सारे खिताब दिए, बुक्स दी है, इसलिए मैं आज बना। तो मैं तमाम जितने भी हॉस्टल के स्टूडेंट के बच्चे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, ये लोग प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, कई लोग इंजीनियर कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यतीम खाने के बच्चे जो है यहाँ हमारे हॉस्टल से आईएएस और आईपीएस बनकर बाहर निकले। तालीम को हासिल करना आज की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जुस्तजू जो होना चाहिए, पढ़ने की लगन होना चाहिए और सपोर्ट तो हमारी कमेटी की जानिब से रहेगा, हमेशा रहेगा, आप सिर्फ पढ़िए बस। और यहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स, ये टीम है, ये बगैर पेरेंट्स के, बगैर टीचर के, बगैर मैनेजिंग कमेटी के कुछ होने वाला नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचर्स का, पेरेंट्स का, मैनेजिंग कमेटी का, जब ही जाकर बच्चा ये होगा। और हम जो बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड से उसको जो डिग्री के बाद जो एजुकेशन देने वाले हैं, डिग्री के बाद हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से उनको देने वाले हैं ताकि आने वाले दिनों में आईएएस आईपीएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकले के लिए उनको तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ पर आज के मेहमान मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा आए हैं, ये पहला इत्तेफाक है कि यहाँ पर एनुअल डे प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आए। मैं तमाम आप लोगों के पेरेंट्स के जानिब से, स्कूल के जानिब से,
हमारे यतीम खाने मैनेजिंग कमेटी के जानिब से उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। और साथ ही साथ आपको मैं मुबारकबादी भी देता हूँ कि आपको रिसेंटली कल या परसों आपको जो सिल्क बोर्ड का चेयरमैन को नॉमिनेट किया गया है, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह से तरक्की करते रहेंगे कि हमारे फर्स्ट फ्लोर में और क्लास रूम, क्योंकि आने वाले दिनों में नाइन्थ और टेंथ के क्लासेस बनने वाले हैं, अब एट्थ तक हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नाइन्थ होगा, टेंथ होगा, PUC फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा, इंशाल्लाह कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर तालीम हासिल करेंगे हमारे बच्चे। In old generation, the people used to live with each other and enjoy their lifestyle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But in new generation, children are their phones, laptop, tabs and bikes. उस तालीम पर अमल करने के तौफीक अता फरमा, तालीम के हर मैदान में आगे रहने के तौफीक अता फरमा, दीन में बढ़ कर काम करने के तौफीक अता फरमा, यतीमों का सहारा बनने के तौफीक अता फरमा। सही में पायलट हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज महाराष्ट्र, आई एम अ पायलट, आई लव टू फ्लाई एन एरोप्लेन, आई वाज फॉर एयर इंडिया, आई टेक वी टेक माय पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, थैंक यू। नेम इज सलेहा बेगम, रजिया सुल्ताना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर आनंदी बाई जोशी, वॉज फर्स्ट इंडिया फीमेल डॉक्टर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, थैंक यू। और काफी पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लिए एनुअल डे के अलुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल के बाबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने बच्चों को एनकरेज करके अब जो जो ड्रेसेस वगैरह लगते हैं और जो भी इंतजाम लगते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, बच्चे खुशी से आकर पूरे ड्रामे प्रोग्राम्स अच्छी तरह से करें, मैं माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अच्छा है बच्चों को एनकरेज किए, टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो है इतना कामयाब जलसा इनेकाद किए जो बच्चों के लिए बड़ा हौसला अफजाई का, और जो है आने वाले दिनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रखकर अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में हम कैसे कैसे रहना, बल्कि मॉरल ड्रामे बनाए प्रोग्राम बनाए, बड़ी मालूम आती है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप को जिस तरह से आप बढ़ चढ़ कर बच्चों को ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपना वक्त लगाकर पैसा लगाकर जो टाइम दिए, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में रोज भी आप अपने बच्चों को 2 घंटे स्कूल के बाद 2 घंटे लेकर माँ और या बाप जो है होमवर्क कराइए, पढ़ाइए, फॉलोअप कीजिए, क्योंकि जो हम दिन भर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं अगर आप रात में अगर इनका रिवाइज नहीं करेंगे तो बच्चे जो है काबिल नहीं बन सकते, बच्चे सिर्फ मकअप करना, एग्जाम के लिए प्रोडक्ट मारना ऐसा सोचते हैं, कहीं ट्यूशन भेजने से बेहतर है कि अपने माँ बाप के सामने बच्चे जो पढ़ते हैं ट्यूशन में नहीं पढ़ते। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं तो अपने माँ बच्चों के साथ अपना कीमती वक्त 2 घंटे दीजिए,
ताकि वो आने वाले 50 साल आपके लिए राहत पा सके। आज अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल के 6th एनुअल डे के मौके पर स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश कर रही हूँ। अब मौजूदा साल में अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल में क्लास 8 तक तालीम दी जा रही है। इस वक्त स्कूल में जुमला स्टूडेंट की तादाद तकरीबन 200 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में तमाम सरकारी, मजहबी, मिल्ली और कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नन्हे मुन्ने तलबा फिराक, हम और नाते शरीफ के अलावा जलसे की मुनासिबत से जलसे के मौजू पर तकारीर करके अपनी इल्मी काबिलियत का मुजाहरा पेश करते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स पर खास नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। डेली के अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है। अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट की तालीमी काबिलियत के फरोग के लिए दीगर टीचर्स के साथ साथ मीटिंग करके हर मुमकिन कोशिश की जाती है और तलबा की सूरत हाल से वाकिफ करवाने के लिए पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। तलबा की तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुकाबले जात का इनेकाद किया जाता है और उनकी हौसला अफजाई के लिए इनाम और सर्टिफिकेट से उन्हें नवाजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल की तरक्की के लिए यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफा के इंतजामी कमेटी के सदर व राकीन स्कूल के स्टाफ का भरपूर तआवुन करते हैं। इन तमाम वजूहात को पेश नज़र अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल मुख्तसर से अर्जे में कामयाबी हासिल करके तरक्की की तरफ रवा दवा है। हमारे स्कूल के इत्मीनान बखश कारकर्दगी से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मुतमईन है। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह आइंदा साल 500 तुलबा की तादाद के साथ बड़े पैमाने पर एनुअल डे मनाया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे अलहुदा इस्लामिक स्कूल का नाम गुलबर्गा के शहर मशहूर व मारूफ तरीन स्कूलों में शुमार किया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलहुदा इस्लामिक स्कूल में नहायत ही बेहतरीन तालीम दी जा रही है और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और पहले हमारे स्कूल ये अलहुदा इस्लामिक स्कूल में खाली 2 बच्चे आते थे, आज हमारे ताजनगर मुस्लिम संघ से टोटल 22 बच्चे आ रहे हैं इस स्कूल में। मैं और यहाँ के बच्चों की तालीम को देख कर मैं चाहता हूँ कि हमारे एरिया से भी बहुत सारे बच्चे और यहाँ पर एडमिशन किया जाए और इस स्कूल को बहुत ही आगे लाया जाए। और यहाँ पर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और पूरे पढ़े लिखे मैनेजमेंट हैं और जो बड़े बड़े अहदे पर कायम हैं और यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ कर गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पोजीशन पर कायम है। मेरा नाम अमजद पाशा है, ताजनगर मुस्लिम संघ से। ये अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल इज़ द बेस्ट नंबर 1 पे है। मेरे बच्चे पहले 1 थे, 2 थे, 3 हो गए, 3 से अब 5 हो गए गुलबर्गे के आवाम। मैं गुजारिश करता हूँ जिसको भी फ़ीस अगर भरने का नहीं हुआ, गरीबी हालत में है, यहाँ बहुत बिल्कुल कम फीस है, आप लगा कर एडमिशन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम बढ़ चढ़ कर होती है क्योंकि इसमें जो भी आते हैं वो कामयाब होकर निकलते हैं। अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला लेंगे तो आप भी कामयाब बाप कहलाएँगे। अच्छा मैडम, बुशरा मैडम का भी बहुत तआवुन रहा, उन्होंने मुस्लिम संघ में भी घर घर आकर स्कूल के बारे में लोगों को बहुत समझाया और समझाकर एडमिशन करवाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैडम ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बच्चों को के स्कूल में हर जिम्मेदारी के साथ माँ बाप को भरोसा दिलाकर एडमिशन करवाने में।